हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 6s के लिए जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, जिसका साइज 1.5 GB के करीब था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपडेट कर लिया है। यहाँ पर जनरल सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में आप एक बार चेक करोगे तो 6s जो है 15.1 पे रन कर रहा है। तो ये गाइस, इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं, इसमें काफ़ी सारे बग फिक्सेस किए गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईफोन 6s या जो छोटे डिवाइसेस हैं जिनमें, जिसके पीछे ग्लास बैक नहीं है, उन डिवाइसेस में क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिलेंगी। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर करना सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो चलो सबसे पहले आपको मैं स्टोरेज के ऊपर चेक करवाना चाहूँ। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे पहले अपडेट करने से पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं अपडेट डाउनलोड स्टार्ट की थी मैंने, सबसे पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है और उसमें मैंने जनरल सेक्शन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अबाउट सेक्शन देखो, 15.0.1 से मैंने अपडेट किया है। मेरा जो आईफोन है वो 32 GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पर 18.7 GB पहले मेरी ऑक्यूपाइड थी 32 GB में से। और अब चेक करते हैं कि इसका अदर स्टोरेज में क्या सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18.7 GB फिल हो रखी है। और अगर हम अदर्स में चेक करें, जस्ट होल्ड ऑन, जैसे कि आप देख सकते हैं 15.1 का 1.17 GB का अपडेट है। अदर्स सेक्शन चेक करें तो आप देख सकते हैं 7.82 GB है जो फिल हो रखी है। तो चलो अब मैंने इसको सारी स्टोरेज को कैलकुलेट करने के बाद में फिर आईफोन स्टोर अपडेट में जाकर फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे दबाया था। तो चलो अब चेक करते हैं कि ये जो है कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। और गाइज, इसने कम से कम 45 मिनट्स लेने हैं आईफोन 6s या 7 में, तो आप एक घंटा अपना फ्री रख कर ही फ़ोन को अपडेट पे लगाना। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं आईफोन स्टोरेज कितनी हो रखी है, हम सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है स्टोरेज में। पहले कितनी फिल हो रखी थी और आप एकदम से 15 से भी नीचे आ गई है। और आप इस तरीके से अपनी जो आईफोन की स्टोरेज है इसको फ्री करा सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में। अगर हम अदर्स फोल्डर चेक करें तो पहले ये फोल्डर जो है 7.2 GB के आसपास हो रखा था, तो ये आप देख सकते हैं 3.75 GB के आसपास आ गया है सिस्टम डेटा वाला। तो आपको अपडेट ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल लेके आएगा कि स्टोरेज फ्री करेगा। पहले मेरी 18 GB के आसपास फेल थी, अब मेरी 15 GB के आसपास फेल है। तो 32 GB में से 15 फेल, तो मतलब कितनी फ्री स्टोरेज मुझे फ्री मिल गई है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या फीचर्स नए देखने को मिले हैं। तो जैसे कि आपको मैंने चेक करवाया कि मैंने जैसे पहले ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले रखी थी, तो जस्ट होल्ड ऑन, आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँ वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही वो थिंग। तो यहाँ पर iOS 15.1 में हमें सबसे पहले कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, कुछ बग्स फिक्सिंग्स हैं जो कि एप्पल ने किए हैं। तो वो कौन से हैं, जस्ट यहाँ पर एक जस्ट चेक करो। iOS 15.1 में शेयर प्ले का फीचर ऐड किया गया है। इससे क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लो कोई मैं अपने फेस टाइम में शेयर प्ले यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मान लो मैंने इस कॉन्टैक्ट को अपनी फेस टाइम कॉल अप्लाई की है, जैसे ही मैं शेयर प्ले को दबाऊँगा तो मेरी जो स्क्रीन है ना उसको शेयर होना शुरू हो जाएगी। और उसकी स्क्रीन या फिर मैं देख सकता हूँ वो भी, अगर शेयर प्ले वाला बटन दबाएगा और मान लो वो मेरी स्क्रीन देख रहा है या फिर मैं उसकी स्क्रीन देख रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ोन से ही आवाज़ कम करूँगा तो उसके फ़ोन की आवाज़ कम हो जाएगी। इस तरह वाले जो फीचर्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे जाके फेस टाइम कॉल्स में। जैसे मान लो हमें किसी को कोई स्टेप समझाना है फ़ोन में कि स्टेप को ऐसे ऐसे करो, उसको नहीं समझ आ रही तो वो शेयर प्ले ऐड करेगा, तो हम उसके फ़ोन में ये सारी चीज़ें अल्टर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सेटअप कर सकते हैं। तो ये कह लो कि एक तरह से घर बैठे बैठे किसी के दूसरा फ़ोन छेड़ना या कह लो थोड़ी हेल्प करना हो सकता है। आप इन चीज़ों को दोनों तरफ से देख सकते हो, एक तरह से ये पंगा भी हो सकता है और ये हेल्पफुल भी रह सकता है। आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो चीज़ है, अगली जो फीचर है वो बेसिकली हाईलाइटेड थिंग आईफोन 13 या 13 प्रो मैक्स के लिए आई है, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, जिनमें हमें प्रो रेस वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। पहले हमें आईफोन 13 के लॉन्च के टाइम में ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमें देखने को नहीं मिल रही थी, मतलब ये फीचर हमें आईफोन के कैमरा में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हमें ये फीचर जो है 15.1 में देखने को मिला है। और यहाँ पे गाइस, COVID-19 वैक्सीनेशन कार्ड से रिलेटेड क्या चीज़ है, हमारे एप्पल वॉलेट के अंदर हम अपना COVID-19 वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ऐड कर सकते हैं कि हमने
वैक्सीन लगा रखी है। तो यहाँ पर अब बात करें आईफोन 6s में क्या चीज़ नहीं आई है। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा वेदर पे लॉक स्क्रीन पे वेदर नहीं लग रहा था वो अब हो सकता है कि यहाँ पर 6s के लिए भी आ जाए, क्योंकि 15.1 में शॉर्टकट्स ऐप से और अपडेटेड थिंग्स निकल के आएंगे हैं। और बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो आईफोन 6s में वाईफाई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी कि जो कि वाईफाई डायरेक्टली यहाँ से स्कैन नहीं हो रहे थे वो अब हमें डायरेक्टली सारे के सारे वाईफाई अवेलेबल शो हो जाएंगे। वाईफाई इसलिए फिक्स हो गया है क्योंकि इसका जो मॉडर्म फर्मवेयर है वो चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में जो मॉडर्म फर्मवेयर है वो हमें अपडेटेड देखने को मिल रहा है 15.1 में, जिसके कारण हमें नेटवर्क से रिलेटेड सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स हो गई हैं। और गाइज यहाँ पर अगर मैं आपको बैटरी लाइफ की बात करूँ तो मैं अभी बैटरी लाइफ को डायरेक्टली जज नहीं कर सकता कि कितनी इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है या ड्रॉप मिला है हमें। बाकी अगर बेंचमार्क्स की बात करें, वैसे मैंने अभी रन नहीं किए हैं, लेकिन जो र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं कि वो थोड़े से स्लो हैं, क्योंकि डिवाइस हीट होने के कारण बेंचमार्क्स अभी कम निकल के आ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो बाकी अभी 15.1 ने काफ़ी स्टोरेज फ्री कर रखी है, आपको ज़रूर अपडेट करना चाहिए अगर आप जेलब्रेक की दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अगर आप जेलब्रेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ना अपडेट करें, क्योंकि चेक रेन या कह लो अनकवर बहुत ही जल्दी 15 के जेलब्रेक्स रिलीज करने वाले हैं। आज ही जो कल ही नया अपडेट रिलीज किया गया है जो कि आईफोन 12 को भी जेलब्रेक कर सकता है, तो शर्त है कि आप आईफोन जो है 14.5.14 फर्मवेयर पे होना चाहिए। तो अगर आप जेलब्रेक करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप अपने आईफोन को अपडेट करें, क्योंकि आईफोन के जो अपडेट्स हैं वो अपने जेलब्रेक को एक तरह से ब्लॉक कर देंगे। कहने का मतलब आईफोन एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चाहता कि वो हमारे आईफोन को जेलब्रेक करो। एप्पल और सिक्योरिटी अपग्रेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा अपने सिक्योरिटीज़ को, और जेलब्रेक जो डेवलपर्स हैं वो उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये एप्पल भी चाहता है कि डेवलपर्स जो हैं जेलब्रेक करें, क्योंकि एप्पल को इससे मौका मिलता है कि ये सिक्योरिटी जो उन्होंने अब इस बार अपलोड की थी या अपडेट सेंड किया था वो कैसे तोड़ी उन्होंने डेवलपर्स ने। तो इन चीज़ों को दोनों का ही फ़ायदा है, एप्पल की सिक्योरिटी और इंक्रीज हो रही है और डेवलपर्स जो जेलब्रेक रिलीज करते हैं वो डेवलपिंग करके अपना जो है रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।